नमस्कार, चरक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप आयुर्वेद, मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोहा शव के फायदे। शरीर में रक्त की कमी या एनीमिया महिलाओं के लिए एक आम समस्या है जो अक्सर उनमें कमजोरी और थकावट का कारण बन जाती है। लोहा शव स्वाभाविक रूप से प्रसंस्कृत लोहा यानी आयरन और आवश्यक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक उत्कृष्ट संयोजन है जो लोहे यानी आयरन की कमी और एनीमिया के उपचार में सहायक है। जिगर के कामकाज में सुधार करता है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा खुजली, मधुमेह, गुल्म, जलोदर, बवासीर, एनोरेक्सिया और नालबुन के मामले में भी यह काफी प्रभावी है। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए के मामले में इसे बासावा के साथ दिया जाता है। डायरिया और पेचिस को भी ठीक करने में सहायक है। त्वचा के रोगों को ठीक करता है। दिल के रोग में काम आता है। जिनका पाचन कमजोर होता है उसको ताकत पहुंचाकर पाचन क्रिया को ठीक की जाती है। जिनके शरीर में खून की कमी होती है उसको दूर करता है और खून बढ़ाता है। आइए जानते हैं लोहा शव के फायदों के बारे में। नंबर एक, पेट के लिए। लोहा शव में अग्नि प्रदीपक यानी भूख बढ़ाने के लिए त्रिकुट, अजवाइन, चित्रकमूल, नागरमौता मिलाया है। पेट को शुद्ध करने के लिए, कृमि नाश करने के लिए, गुण के लिए त्रिफला, बायबिडिंग और नागरमौता मिलाया है। इन सब के साथ लोह भस्म का संयुक्त होने से सब के गुण में अति वृद्धि हो जाती है। नंबर दो, बुखार के लिए। मलेरिया आदि संक्रामक बुखार मानसिक चिंता और पेट की कृमि आदि कारणों से पांडुता यानी शरीर पूरा पीला पड़ जाना आ जाती है। जब रक्त में रक्ताणु यानी मिश्रण विधान ऑक्सीडेशन विकृत हो जाता है तब रक्त अशुद्ध बन जाता है। रक्त जीवाणु यानी ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और धमनियों की दीवारें मृद हो जाती हैं और रक्त यानी ब्लड सर्कुलेशन बलपूर्वक नहीं हो सकती है। फिर कोशिकाओं में योग्य रक्त नहीं पहुंच सकता जिससे शरीर अति शिथिल और निस्तेज हो जाता है। साथ साथ शरीर को योग्य पोषण न मिलने से इंद्रिय स्वयं कार्यक्षम नहीं रह सकती। मस्तिष्क विकृति होने पर रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है और निरुत्साही यानी बिना उत्साह की उदासीन बन जाता है। फिर आंख आदि की श्लेष्म कला यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में खून का अभाव, सिर दर्द, चक्कर आना, हाथ पैरों पर सूजन, हाथ पैर ठंडे हो जाना, निद्रा वृद्धि आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसे लक्षण वाले पांडुरोग यानी एनीमिया पर यह आसव लाभ पहुँचाता है। यह पाचन क्रिया बढ़ाता है और रक्ताणुओं की वृद्धि कर यानी ब्लड सेल्स की वृद्धि कर ब्लड सर्कुलेशन क्रिया को सबल यानी ताकतवर बनाकर स्वास्थ्य की वृद्धि करा देता है। निर्बलता को दूर करने के लिए अनेक बार उपवास आदि कारणों से होमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर निस्तेज दिखता है। इस रक्त रंजक यानी कि हीमोग्लोबिन की न्यूनता को भी यह लोहा शव दूर करता है। हलीमक रोग। कभी कभी युवा स्त्रियों को एक प्रकार का हलीमक रोग हो जाता है। उसमें त्वचा हरी पीली हो जाती है, रक्त में ब्लड सेल्स की संख्या आधी भी नहीं रहती। देखने में रोगिणी पुष्ट लगती है किंतु हृदय में घबराहट, मंद बुखार, भूख न लगना, चक्कर आना, कब्ज, थोड़े परिश्रम से श्वास भर जाना, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म कष्ट से और असमय पर आना तथा निर्बलता आदि लक्षण उपस्थित होती है। इस विकार पर लोहा शव का सेवन अमरूद के समान उपकारक है, यानी कि इन सभी विकारों पर लोहा शव का सेवन करना चाहिए। साथ साथ खुली हवा तथा अपने पाचन के अनुसार घी और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पांडुरोग के लिए यानी एनीमिया के लिए अनेक बार पेट के कृमि उपस्थित हो जाने से पांडुरोग यानी एनीमिया की प्राप्ति होती है। उदर कृमि यानी पेट के कीड़े होने पर बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, अफरा, भूख न लगना, मुखमंडल पर निस्तेजता, हृदय में कभी कभी होना, चक्कर आना, रक्त मिश्रित दस्त, नाभि और मूत्रेंद्रिय पर सूजन आदि लक्षण उपस्थित होती हैं। इस विकार पर पहले कृमिनाशक औषधियों का सेवन करना चाहिए, फिर लोहा शव देने से शरीर सत्वर, तेजस्वी और बलवान बन जाता है तथा रक्त की न्यूनता यानी खून की कमी और अग्निमाद यानी भूख न लगना दोनों दूर हो जाते हैं। पांडुरोग में उत्पन्न लक्षण यानी एनीमिया में उत्पन्न लक्षण सूजन,
आदि के खांसी, श्वास, त्वचा विकार, अरुचि, ग्रहणी, हृदय विकृति आदि हो जाने पर उन सबों को यह लुआसा दूर करता है। आइए जानते हैं कि लुआसन का सेवन कैसे करना चाहिए। सेवन की मात्रा 10 से 30 मिली सुबह एवं शाम भोजन के पश्चात समान मात्रा में जल मिलाकर या डॉक्टर के परामर्श अनुसार सेवन करना चाहिए। 6 साल से ऊपर वाले बच्चे को 1-1 चम्मच समान भाग पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद दें। 12 साल के ऊपर वाले बच्चे को 2-2 चम्मच समान भाग पानी के साथ दें। 18 साल के ऊपर वाले सभी लोग 2-4 चम्मच समभाग पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद लें। इसे आप 3 महीने तक कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे स्त्री पुरुष दोनों भी इसका यूज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं लुआसप की कीमत। वैद्यनाथ लुआसप 450 ml की कीमत लगभग 125 रुपये है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आप वैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, झंडू आदि फार्मेसियों का लुआसप ले सकते हैं। लुआसप के नुकसान, आइए जानते हैं लुआसप के नुकसान। नंबर 1, अगर निर्देशित मात्रा में सेवन किया जाए तो इस दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। वैसे लुआसप में स्वयं निर्मित लगभग 8% एल्कोहल होती है, लेकिन यह प्राकृतिक एल्कोहल दुष्प्रभाव रहित होती है, क्योंकि आयुर्वेद की आशव कल्पनाओं से निर्मित सभी दवाओं में एल्कोहल होती है जो उन्हें रोग में तीव्र प्रभावी बनाती है। नंबर 2, लुआसप में लोहा यानी आयरन होता है। 6 से कम उम्र के बच्चे में जरूरत से ज्यादा देने पर घातक जहर के लक्षण पैदा हो सकते हैं। नंबर 3, वयस्कों में ज्यादा खुराक से गैस की समस्या और उल्टी हो सकती है। आइए अब जानते हैं लुआसप के घटक द्रव्य क्या क्या है। लुआसप में लोह, भस्म, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, आंवला, बहेड़ा, अजवाइन, बाइबड़ंग, नागरमोता, चित्रकमूल की छाल, धाय के फूल, शहद और गुड़, यह सब औषधि मिलाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।